आठ से दस लहसुन की कर लिया। लहसुन कम खाते हैं थोड़ा कम भी डाल सकते हैं आप, इसमें प्रॉब्लम नहीं। हम ज़्यादा खाते हैं इसलिए ज़्यादा डालते हैं, आप चार पाँच से भी लेंगे, लेकिन लहसुन डालना ज़रूरी है, उसके बिना टेस्ट नहीं आएगा। और ये तीन से चार आपको हरी मिर्च चाहिए। मसालों में हमें चाहिए ज़्यादा कुछ नहीं, जीरा और ये हल्दी, धनिया बस, और कोई मसाला नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं जीरा, हल्दी और धनिया। तो चलिए हम बनाने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम भूनने के लिए चढ़ा दिया है, सिर्फ इसे को ही भूनेंगे, टमाटर को नहीं भूनेंगे, अच्छे से पकने देते हैं। अब हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे, कढ़ाई में मसाले भूनने के लिए जो जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि मेरे पास एक ही बैंगन है। अगर आपके पास दो बैंगन यूज़ कर रहे हो तो आप थोड़ा डेढ़ चम्मच डालो तेल, और प्याज भी थोड़ा ज़्यादा डालो, क्वांटिटी प्रोपोर्शनेट तरीके से आप उसको बढ़ा दो, ठीक है। तो एक चम्मच मैंने, एक बैंगन है मेरे पास आधा के जी का, तो मैंने इसे, मैं सबसे पहले जीरा तड़काऊँगी। जीरा तड़काने के बाद इसमें हम सारे चीज़ डाल देंगे, कच्ची चीज़ जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन के टुकड़े, ये सारे ही डाल देंगे। ज़्यादा भूनना किसी को नहीं, लहसुन को थोड़ा भून लेंगे, उसके बाद हरी मिर्च, प्याज और टमाटर लगभग साथ में ही डालेंगे। एक बार ऐसे चला करके अब इसे हम भून, मतलब इसे जलाना नहीं, हल्का सा बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे, और फिर टमाटर डाल देंगे। बिल्कुल भी इसको भूनना नहीं है, जलाना नहीं है, बिल्कुल ही थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, मुश्किल से दो मिनट भून लेंगे इसे। और इसमें हम नमक डाल देंगे, इसके बाद सारे मसाले हम डाल देते हैं। मसालों में जो मैंने बताया था आपको, मतलब मेनली हल्दी, धनिया और कोई भी एक सब्जी का मसाला या फिर गर्म मसाला, कोई भी एक आप डाल सकते हैं इसमें, और वो भी ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेनली धनिया और ये देखिए, और हल्दी ज़रूरी है। तो ये मैंने पका हुआ जो मेरा बैंगन था उसे मैंने पील कर लिया था, छिलका हटा देंगे पानी से, हाथ पानी की हेल्प लेके हम छिलका को पहले हटा लेंगे सारे को, और इसमें हम ऐसे ऐसे मिक्स कर देंगे। एक्चुअली ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, अगर आपके पास बैंगन पहले से भून के आपने रखा है तो इसे हम ऐसे करके अच्छे से भून लेंगे। तेज फ्लेम पे ही भूनेंगे, हाई फ्लेम पे भूनेंगे, इसे लो फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, लो में हम बाद में करेंगे। और अभी देखो मैंने अच्छे से इसे भून लिया है, उसमें मैं धनिया डाल दूँगी। धनिया से ऐसे डाल करके इसे चलाना नहीं है, सिर्फ डालना है, और फ्लेम को लो कर दूँगी, और फिर ढक देंगे हम इसे, और छोड़ देंगे कम से कम 7-8 होने के लिए छोड़ देंगे हम। 7-8 मिनट के बाद हम इसे बस खोलेंगे और सर्व कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ये खोला, ये हमारा बन चुका है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और इसे हम सब्जी मेनली रोटी के साथ उसे खाई जाती है, लेकिन साथ के साथ ही खा सकते हैं, मेनली हम रोटी के साथ, मतलब ज़्यादा टेस्ट आता है। तो चलिए, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो डू लाइक माय चैनल, प्लीज़ वॉच इट एंड ट्राई इट, इट्स रियली वेरी यम्मी। मैं इतना डेकोरेट नहीं कर पाती हूँ, बट प्लीज़ आप ट्राई।